साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट। साथियों आज हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। व्हाट इज द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे एंड क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड डोजेज एंड हाउ टू वर्क इन द बॉडी एंड फार्माकोग्नोसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम में बी फार्मा एंड डी फार्मा सभी में आता है। हम वीडियो को जो है शॉर्ट में जो है नोट्स बना के आपसे डिस्कस करेंगे। इन केस कोई क्वेरी होती है आप हमें कमेंट करेंगे या कोई व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको जो है इसका नोट्स भी भेज देंगे। साथियों सबसे पहले बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है क्या। दीज ड्रग्स एलिवेट मूड इन मेंटल डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एक्ट बाय मॉडिफाइंग मोनो एमिनो एनर्जिक ट्रांसमिशन। ये क्या करती हैं कि जो किसी तरह का डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, हेजिटेशन होता है, वरी होता है और माइंड जो है एक प्रेशर फील करता है, उसको जो है मूड को जो है फ्रेश करके एलिवेट करता है और जो है मतलब इस दवा को खाने से जो है दबाव, तनाव, थकान, डिप्रेशन कम हो जाता है। तो ये दवा इसलिए जो है काम आती है। इसके क्लासिफिकेशन की साथियों बात करेंगे तो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO ड्रग्स। इसका मतलब ये होता है साथियों अमीन का मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। MAO का मतलब ये होता है ये एक तरह का रिसेप्टर है जो मेंटल डिप्रेशन की दवाई जो रिसेप्टर पे वर्क करता है और उसको इनहिबिट कर देता है और फिर जो है वो क्या होता है कि डिप्रेशन से मरीज जो है हट निकल जाता है। तो इसकी जो ड्रग है ये है मोक्लोबीमाइड क्लास की ड्रग एंड क्लोरीजिलीन जो कि विस्तार में हम आगे बात करेंगे और ये रिसेप्टर कैसे बात करता है शॉर्ट में वो भी बात करेंगे। नंबर दो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA जिसको कहते हैं। इस क्लास में जो दवाइयां है वो है इमीप्रामाइन नंबर एक है, फिर एक है एमीट्रीपाइटिलीन नंबर है क्लोमीप्रामाइन एंड डेसीप्रामाइन एंड नॉर्ट्रिप्टिलीन जो है ये इसी क्लास के अंदर आती है। नंबर थर्ड एंटी डिप्रेसेंट जो बात करेंगे तो नंबर थर्ड है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रूपटेक इनहिबिटर्स ये जो है इसमें जो है फ्लोएक्सटीन टैबलेट इसमें जो है क्लास की दवा आती है एंड सर्टालीन एंड सीटालोप्राम एंड एसीटालोप्राम ये दवाई जो है इस रिसेप्टर के अंतर्गत आती है क्लास थ्री में एंड एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट। नंबर फोर है यह है ट्राजोडोन मीनासेरीन एंड ड्यूलोएक्सटीन एंड ब्यूप्रोपियोन। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिट हैव प्रोनेम टू बी वैल्यूएबल टूल्स। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज साथियों ये क्या करता है इनहिबिट कर देता है, ये वैल्यूएबल टूल्स है फार्माकोग्नोसी का एंड थेरेप्टिक्स। दिस अकाउंट कंसर्न द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट और ये क्या करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड हाउ एवर अंडरस्टैंडिंग द काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ MAOI में हेल्प देयर डिसीजन। तो कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर में इस तरह से ये वर्क करता है और एग्जांपल जैसा कि हमने पहले बताया था मोक्लोबीमाइड एंड क्लोरग्लाइलीन ये जो है इसके बारे में साथियों आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड नंबर की बात करेंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो रिसेप्टर है ये कैसे काम करता है। TCA एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रिप्यूटेक ऑफ बायोजेनिक अमाइंस जिसको कहते हैं नोरा डी लीन एनए भी कहते हैं एंड 5-hydroxythiotamine 5-HT भी कहते हैं। दिस लीड्स टू क्या करता है इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ द अमाइंस इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है ये इंक्रीज कर देता है जो है एंड दिस कंट्रीब्यूट द एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। जैसा कि एग्जांपल उसके हमने पहले ही बताए थे ये सेकंड है एमीप्रामाइन एंड थर्ड नंबर की बात करेंगे सेलेक्टिव सेरोटोनिन
रेपुटेक इनहिबिटर्स. ये कैसे वर्क करता है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे. देयर आर नाउ फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड ड्रग्स विच बिलोंग टू द दिस ग्रुप आर फ्लोक्सटीन एंड सेरेटालिन सिटालोप्राम एंड सिटालोप्राम. दे डू नॉट हैव एंटी कोलिनर्जिक कार्डियोवेस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट. इसमें एग्जाम्पल जैसा कि पहले बताया है. एंड फोर्थ साथियों है ए टाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड्स ट्रेजोडीन मिनासिरिन ड्यूलोक्सटीन एंड बिस्प्रोपियोन. इसमें जो है क्या होता है, इस रिसेप्टर इसमें लेस सेडेशन होता है एंड लेस एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है. सफर इन ओवरडोज और क्या है, सेफर है ये जो है. अगर ओवरडोज भी हो जाती है साथियों तो वो सेफ है एंड इफेक्टिव इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू TCA और इसमें ये वर्क करती है. तो इसी के साथ साथियों विराम देंगे. किसी तरह क्वेरी है जरूर कमेंट करें. नमस्कार.